हैरान करने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिन दिहाड़े सतवारी से जेएनके बैंक के बाहर से एक बाइक चोरी कर दी जाती है। तस्वीरें देखें, ये लड़का, ये सामने जो तस्वीर में दिख रहा है, ये देखें, इस समय टाइम भी देखें, यहां पर 1:38 हो रहे हैं। और ये देखें, बाइक निकाली, स्टार्ट कर रहा है, काफी जल्दबाजी में किक्के मार रहा है बाइक को, और ये लेकर फरार। कितने सेकंड, कुछ ही सेकंड्स में ये चोरी कर देता है बैंक के बाहर से। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखें ये युवक आया, इसका चेहरा देखें, ऐसा भी नहीं है कि इसने फेस पे कोई मास्क पहना हुआ है। ये देखो, अब इसने कुछ तो पीछे पीछे कुछ लगाया, कुछ लग रहा है क्या है, चश्मे। अब ये देखो, कुछ ही सेकंड में ये बाइक चोरी करके ले जाता है। और दिन दिहाड़े सतवारी जेएंड के बैंक के बाहर का ये मामला है। मामला हैरान करने वाला है। जेएंड के बैंक के बाहर और वहां पर एक अपनी क्लिनिक लेबोरेटरी है, फ्रंट एक्सरे करके, उसके ऊपर एक प्राइवेट कंपनी है, उनका भी कार्यालय है, और उसके ही एम्प्लॉय की ये बाइक थी, स्प्लेंडर बाइक थी, और वो चोरी हो गई। दिन दिहाड़े, ऐसे भी नहीं रात को चोरी हो रही है, दिन में ही फटाफट आते हैं। ये बाइक स्टार्ट कैसे हो गई, ये सारी बातें हैरान करने वाली है। लेकिन जिन जो ओनर थे बाइक के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। अच्छा सर, अपना नाम बताएं। सर मैं नाम अमित कुमार है। अच्छा अमित जी, ये जो बाइक चोरी हुई, ये आपकी बाइक थी? जी बिल्कुल सर। अच्छा, इस बाइक का क्या नंबर है, कौन सी कंपनी है? सर इसका नंबर है JK02BB8276। अच्छा हाँ जी, तो ये थोड़ी सी डिटेल बताओ, कैसे चोरी हुई, कब चोरी हुई, आप क्या कर रहे थे? सर मैं ऑफिस में था, ऊपर मैं एक्चुअली बेजगह बाइक लेके मैं गया था सिटी। अच्छा। किसी का जीपीएस लाना था वहां से, तो जब मैं वहां से वापस आया हूँ तो वहां पे देखा मैं, मेरी बाइक नहीं है। मैंने ऊपर जाके मैंने भैया को बोला, भैया मेरी बाइक नहीं है नीचे, कहता इधर उधर ही होगी, देख कहीं इधर उधर ही होगी कहीं, तो मैंने इधर उधर नजर मारी, मेरी बाइक नहीं मिली। फिर हमारे साथ ही ऑफिस उधर कैमरे लगे हुए थे, हमने एक बार कैमरा लगाया हुआ था। अच्छा, फिर उधर से हमने फोटो चेक की, तो इस बंदे का फोटो आया, ये बाइक लेके भाग रहा था मेरी सर चोरी करके। ये बंदा जो है, ये देखा हुआ कहीं आपने पहले? सर कभी नहीं देखा पहले। इसके पीछे गले पे कुछ लगा हुआ था, वो क्या है इसके पीछे सर? ये जो लड़का बाइक चोरी कर रहा है, इसने ऐसा लगता है कि इसने ऐसा लगता है इसने कोई नशा नशा किया हुआ है। नशा किया हुआ है? नहीं, आपने देखो जब बाइक स्टार्ट कर रहा है, एक अभी एक टांग उधर लगा रहा है, एक उधर लगा रहा है, नशा किया हुआ इतना फास्ट ये फटाफट यहाँ से। सर मेरे को लगता है कि इस बंदे ने पहले कहीं रैकिंग की हुई है मेरी बाइक। नहीं तो ये बाइक स्टार्ट कैसे होगी, और लॉक नहीं थी ये बाइक? तो लॉक की हुई थी। तो कैसे लॉक, कैसे चाबी मेरे पास पड़ी थी बाइक? नहीं तो लॉक कैसे खुल गया, बाइक स्टार्ट कैसे होगी, देखो कैसे जा रहा है, तो स्टार्ट करके लेके गया। सर वही तो देखने वाले हैरान की बात है ना सर। अच्छा, इसको लेकर आपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ सर बिल्कुल की है सर। अच्छा पुलिस कंप्लेंट, तो क्या पुलिस को कोई पुलिस आइडेंटिफाई कर पाई है इस बंदे को? नहीं सर, अभी बोरे हम कर रहे हैं, 2-3 दिन का टाइम दो, आप भी देखो आगे पीछे, जब भी मिलता है हमें कॉल करना, हम भी ढूंढ रहे हैं, यही बोला उन्होंने बस अभी। अच्छा हाँ जी, तो कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ऐसे चोरी हो गई दिन दिहाड़े, तो फिर बाइक हम कहाँ पे लगाएंगे सर? रोड पे ही लगानी होती है, ऑफिस के सामने ही लगानी, कहाँ पे लगानी है सर? ऑफिस के अंदर तो लगा नहीं सकते सर। अच्छा जी, मतलब दिन दिहाड़े चोरी हो रही है। चलो शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है ठीक। तो ये देखें, दिन दिहाड़े चोरी होती है, गाड़ी लॉक थी जैसे बता रहे हैं, गाड़ी लॉक थी, लॉक कैसे खुल गया, गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई, इनके पास ऐसी कौन सी की है जिससे गाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं, और कुछ ही सेकंड्स में फटाफट जैसे ऐसे बाइक निकाल के जा रहे हैं जैसे इनकी खुद की बाइक है, और फटाफट किक मार के स्टार्ट की। और इस मामले पर हमने गांधीनगर में ये मामला गया है, तो उन वहां के थानेदार साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ कल की FIR लॉज है और हम कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की, लेकिन ये जो एक्टिविटीज लगातार
शहर के अंदर देखने को मिल रही हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे इन लोगों पर अंकुश लगाया जाए और इनके क्या लूप होल हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि वो भी जांच होनी चाहिए। कैसे इनके पास ऐसी कौन सी कीज हैं, ऐसी कौन सी चाबियां हैं जिससे बाइकें स्टार्ट हो जाती हैं, लॉक ओपन हो जाता है, वो भी हमें लगता है थोड़ी जांच होनी चाहिए ताकि इनके गिरोह का पता चले और इन पर कार्रवाइयां हो सकें और शहर के अंदर ये जो चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं उस पर भी अंकुश लग सके। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।